सर जी, रस्तों की कामिया से मिलने नहीं गया था। लेकिन सर, वो घर से तो मेरे सामने निकला था, गाड़ी में भी बैठा था और मैंने उससे कहा भी था। कमाल की बात है यार, ये कैसा आदमी है। शेखर उसकी आइटम को पिक्चर दिखाने ले जाता है और ये इसे चुपचाप बैठा हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर जी, पिक्चर देखने तो शेखर भी नहीं गया था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो कौन था उसके साथ? आजकल के फिल्म स्टार्स ना, एक्टर्स कम हो गए, पहलवानी ज्यादा करते हैं यार। ये अपने बंदे को ले लो ना, आज की फिल्म बाइसेप्स दिखाने में लगा हुआ था या। और नाच तो ऐसे रहा था जैसे किसी ने उसके शर्ट में कॉकरोच डाल दिया। अरे वो हॉल की लड़कियां भी ना पागल हो रही थी उसके पीछे यार, टेस्ट खराब हो गया यार उन लोगों का, मैं कह रहा हूं यार। ए, तुझे भी अच्छा लगा क्या? वो बिजी है, तुम क्या खाली बैठे हो? अब बिजी तो वो होगा ही यार, अब कल एक मेरी फिल्म भी हिट हो जाएगी तो मैं भी बिजी हो जाऊंगा। मैं शेखर की बात कर रहा हूँ। वैसे शेखर इज अ बेटर हीरो, आई टेल यू। शेखर के पास कलर तो है। कम ऑन मनोज यार, उसने कहा था वो फिल्म के लिए आएगा और मैं आ गया। नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा। लिसन, आई डिडंट मीन दैट। नहीं, मैं समझता हूं यार। मनोज प्लीज यार, तू मुझे खुद बताओ, आई मीन हमारा फिल्म जाने का प्लान था, उसने हाँ भी कहा और फिर लास्ट मिनट पर नहीं आया। कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना उसे। And I hope कि तुम शेखर का ख्याल रखती हो। मतलब कि काम्या, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम उसके साथ काफी समय अकेले बिताती हो। आई होप तुम उसके साथ कोई चाल नहीं चल रही, उससे बेवकूफ नहीं बना रही। हो सकता है कि तुम उसे सुधा के गम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो, पर ऐसी गलती मत करिए। क्या है ना कि वो अभी अभी तो संभला है, he needs a time, है ना? और शायद तू उसे फिर से वही शौक दे। देख, ओवरऑल शेखर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यार। मनोज, मैं उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूं। गली के अंदर ले लो। नहीं, यहीं छोड़ दे। अंदर जाएगी तो बेकार में मेरा रेपुटेशन खराब होगा यार, कोई देख लेगा तेरे को तो। शट अप मनोज यार। मैं निकल लूंगा सीढ़ी पे जाके और अगली बार नहीं आऊंगा। Behave yourself. Okay, bye. Bye. See you, take care. Yeah. अरे क्या मनोज, क्या बात से आ रहे हो क्या? आपको कैसे मालूम है बाहर से आ रहा हूँ? देखा ना आते। अच्छा अच्छा, आपने मुझे देखा आते। वेरी गुड। आप अंदर से आ रहे हो ना? वरी भी देखा आपको ना। बाहर जा रहे हैं आप? जाइए ना, फिर खड़े क्यों हैं यहाँ पे? अरे जाइए ना यार, तो पूछ रहा हूँ मतलब क्या होता है यार, नीचे से ऊपर आ रहा हूँ मतलब बाहर से। तो ये कौन आ गया घर पे यार? मकान मालिक तो नहीं आ गया? अब यार नाइट शो के बाद इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा यार। हेलो सेठ जी, आई एम सो सॉरी सेठ जी, मैं कह रहा हूँ 10 तारीख के अंदर मैं आपको 6 महीने का भाड़ा निकाल के देता हूँ। कसम से। क्या कर रहे हैं? अबे तू? नहीं, मेरा भूत है। क्या? तू ये क्या कर रहा है? अरे मुझे लगा मकान मालिक अंदर घुसा है, रोज ताला तोड़ने की धमकी दे रहा था। बैठना। नहीं मैं बैठने नहीं आऊँ। सुन, मैं आज रात को यहीं रहना चाहता हूँ, रह सकता हूँ ना? मिल गया भाड़ा। अबे साले, बंगलों में क्या शिफ्ट हो गया? ये कमरा तेरा नहीं था क्या? मालूम है कि ये तुम्हारे बाथरूम से भी छोटा है, गंदा है, मगर याद रख, लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट तूने यहाँ गुजारे हैं मेरे साथ। ए मनोज, मुझे बता, ये मेरा खुद का कमरा है, डोंट वरी अबाउट इट। बट टेल मी, हाउ वाज द फिल्म? द
film was as should it be. मतलब अबे मेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही तुझे? मतलब फिल्म होनी थी वैसी थी, मतलब वैसी थी जैसी छोड़ना यार, मगर एक बात है, तुझे फिल्म देखने आना चाहिए था। कामिया बहुत इंतजार कर रही थी। ले अभी तो तू ये कह रहा था कि फिल्म आई हुई थी। हाँ फिल्म आई हुई थी, मगर दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी वहां पे तेरी। अच्छा क्या? यही ना कि कामिया मुझसे खफा हो रही होगी। अरे अपसेट तो वो थी तेरे को लेकर, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये थी कि कामिया मुझे लगता है बहुत जबरदस्त फील्डिंग लगा रही तेरे ऊपर। ए कुछ भी बकवास करता है। अबे मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्ट ले रही थी वो तेरे ऊपर, इतना कि उसे पॉपकॉर्न खाने में इंटरेस्ट नहीं था, दोनों पैकेट मैं चबा गया। मनोज तू कामिया की बातों को सीरियसली लेता है? कैसा लड़का है यार तू, क्या हो गया तुझे? छोड़ ना यार, मैं नहीं लेता सीरियसली, मुझे क्या करना है? तूने खाना खाया? मैंने नहीं खाया। काम करते हैं बाहर जाके खाना खाते हैं। आसपास के सारे रेस्टोरेंट में देख के आया, सबके सब बंद हो चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है। आज एक काम करते हैं, आज तू मुझे फाइव स्टार होटल में खाना खिला देना, वहीं खत्म कर देना। ओके चल मैं थोड़ा फ्रेश अप हो गया, आता हूँ एकदम फाइव स्टार होटल वाला। चाय भी उठाना यार, आता हूँ। करण ये तुम कैसे कह सकते हो? अंकल क्यों नहीं कह सकता, कामिनी ने आपको ये बताया ना कि वो सुधा के यहाँ गई है। हाँ अंकल मुझे नहीं लगता, मुझे लगता कि सुधा के यहाँ नहीं शेखर के यहाँ गई है। करण वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? हाँ तुम तो जानते हो कि मैं तुम लोगों को किसी भी बात के लिए इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग भी ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो मुझे बुरा लगेगा। अब इतनी फ्रीडम के बावजूद वो मुझसे झूठ बोलेगी? आई डोंट थिंक सो। करण प्लीज तुम अपने दिमाग को दौड़ाना बंद करो, अब वो सब्जी उठाओ खाना खाते हैं, कम ऑन। अंकल ये मामूली बात नहीं है, पता नहीं इसके बाद शेखर किस हद तक जा सकता है, फिर बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। करण प्लीज डोंट। ओ कामिया बेटी अच्छा हुआ तुम आ गई, बैठो हम लोग खाना शुरू ही करने वाले थे, दरअसल अभी अभी तुम्हारी बात चल रही थी। जानती हो मेरे बारे में बातें हो रही थी। पापा मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या हुआ? फोन करना है? नहीं आने वाला है? नहीं तो मैं तो ऐसे ही ऐसा ही होता है, जब हमें इंतजार होता है तो किसी का फोन नहीं आता, नहीं तो दिन भर फोन बजता रहता है। मैं मिला दूं नंबर? क्या करण का? हाँ तुम भी चल चल जल्दी से उसे नंबर मिला दे, डा देख रहा होगा वो, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वो। अरे पता तो तभी चलेगा जब तू उससे बात करेगी, चल जल्दी फोन कर, मैं अंदर जा रही हूँ। हेलो। हाय करण। सुधा नाराज हो मुझसे? गुस्सा होता तो फोन नहीं काट देता। मुझे लगा तुम बहुत कुछ सुनाओगे मुझे। और मुझे लग रहा था कि कुछ और भी सुनाना बाकी है तुम्हें। करण मैं तुमसे मिलने अभी आऊं। एक मिनट। अरे भाई हो क्या रहा है, मतलब फोन भी कर रही हो और ये भी कह रही हो कि मिलना भी चाहती हो, अगर ऐसा है तो हमारे झगड़े रोज रोज होने चाहिए, डोंट यू थिंक? एक्चुअली इसका क्रेडिट तुम्हारी बहन को जाना चाहिए, कामिया यहाँ आई थी और तुम तो जानते हो ना उसे, वो कुछ भी करा सकती है। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, तुम्हारी हो ना?
ठीक है तो मैं आती हूँ अभी, बाय बाय। ओए बुड्ढे चल उठ, सोता रहता है ये, उठ चल मेरे चाय पी। चल गया है तू फिर? अरे वाह थैंक्स यार। कुंभकर्ण की औलाद यार तू कितना सोता है, एक बात बता तुझे रोज कोई जगाने आता भी है या तू दिन भर सोते रहता है? क्या दिन भर सोते रहता है, सोने को मिलता ही नहीं है यार, कहाँ सोने, सुबह सुबह सब लोग आते हैं जगाने के लिए यार। वो दूध वाला आता है, दूध नहीं देता, पैसे दो। वो पेपर वाला आता है कभी कभी, पेपर देता नहीं है, बोलता है 3 महीने का बिल भरो। कभी कभी वो बाजू वाली आ जाती है, रात को दिया था ना ढोकला बना के, बर्तन किधर है यार, सोने को मिलता ही नहीं अपने को, कसम से परेशान हो गया मैं। तू नहीं सुधरेगा। वाओ यार वाओ, अरे तू क्या चाय बनाता है, मतलब जैसे मैंने सिखाया था तेरे को तू एग्जैक्टली वैसे बनाता है। मैंने सोचा तू बंगलों में जाएगा, नौकर जाएगा, तेरी आदत बिगाड़ देंगे, मगर नहीं यार तू यार टू गुड चाय यार, दिल खुश हो गया यार। ए तू चुपचाप सा चाय पिए, सच्ची वो ढोकले का तो स्वाद था ना वो सब चला गया, चाय पिए, मस्त चाय बनाए, फैंटास्टिक। मैं कहता हूँ दिस इज लाइफ यार, दिस इज लाइफ। मैं तो ना भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि ओ गॉड तू मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक कप चाय दे, थोड़ा सा नाश्ता, दो टाइम का खाना मिल जाए, बस अपनी लाइफ एकदम फिट है। मगर तू तो चला जाएगा बंगलों में यार, अपना क्या होगा यार, वही ढोकला, वही साला ठंडी चाय। हाँ यार मनोज जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक बात बताऊं, सीरियसली बताऊं, पता है उस घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और के यहाँ मेहमान बन के रह रहा हूँ। उस घर में मुझे किसी चीज से लगाव नहीं है, कुछ भी अपना नहीं लगता है मुझे। बेटे शुरू शुरू में सब जगह ऐसी लगता है, अपने को भी कितना और लगा था यहाँ पे आके, है ना, सब कुछ गंदा झिकझिक, ये बाद में आदत पड़ जाती है यार। नहीं यार आदत नहीं पड़ती यार मनोज, अब मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मेरे पिताजी ने जगत नारायण जी के साथ मिलकर इतनी घटिया हरकत की है, मतलब गुंडागर्दी पे उतर आए यार। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज, आप अपने पिताजी के बारे में बात नहीं करेंगे, नो आप अपने पिताजी के बारे में झिकझिक नहीं करेंगे, बड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं थक गया हूं, पक गया हूं मैं सुन सुन के, मेरा बाप ए प्लीज यार, हर बेटे का बाप के साथ कुछ ना कुछ होता, मगर तेरा तो एकदम आई डोंट नो यार, मतलब प्रॉब्लम है तेरा, मैं सच बता रहा हूं प्रॉब्लम है। मनोज तो नहीं समझेगा। नहीं समझूंगा मैं यार, तू पकड़ अपनी चले, नहीं समझाना, हमेशा देखो बाप के बारे में रोता रहता है। नाश्ता नहीं है क्या? हाँ बनाता हूँ। आए कामे, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, जरा हम भी देखें कि क्या पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। एक पढ़ तो लू ना, फिर तुम ले लेना। अरे काम्या तुम भी अभी इस आउटडेटेड कंप्यूटर पे अटकी हुई हो, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें एक लैपटॉप खरीद दूँ, बहुत कन्वीनियंट है और कम टू द पॉइंट, कहना क्या चाहते हो काम्या? थैंक्स फॉर व्हाट? वो तुमने सुधा से बात की, हम दोनों के बीच में गलतफहमी दूर की, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और दरअसल काम्या मैं तुमसे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, इनफैक्ट मुझे तुम पे गुस्सा करना आता ही नहीं, इट्स जस्ट दैट एक बात थी जो। वही तो कह रही हूँ, कौन सी एक बात थी, कम टू द पॉइंट। देखो काम्या मैं I really worry about you. वो तुम्हारे और शेखर के बीच आई थिंक कि तुम्हारा शेखर की तरफ झुकाव, मुझे लगता है कि कारण तुम्हें जो कुछ लगता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
देखो कामया करण प्लीज, शेखर को लेकर मुझे एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। और जहां तक सुधा की बात है, वो मेरी दोस्त है, तुम मेरे भाई हो। आई लव बोथ ऑफ यू। आई मीन तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई मीन इट्स ऑब्वियस। पर क्या तुम रियलाइज करते हो कि मेरी अपनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मुझे मेरे अपने लिए भी वक्त चाहिए करण। कैन यू जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल प्लीज? तुम्हारे ही घर में तुम्हारा स्वागत है। रुक जाओ, भागने दो उसे, बेवकूफ है, जानता नहीं है कि उसके गले में मैंने अपना पट्टा डाल दिया है। वो उतना ही दूर भाग सकता है जितना लंबा मेरा पट्टा है। भागने दो उसे। हाय, क्या किया अपने बालों को? अरे कुछ नहीं बाबा, पर्म करवाया बस। अरे लेकिन अच्छा, उस दिन शेखर से मिलने गई तब किया गया? जैसे तुम्हें ना कुछ बताना ही नहीं चाहिए। क्यों बताना काम्या कब किया? अरे ये कब हो गया सेल? गॉड, तो बड़ा शौक है। हां बैठ, मैं अभी करण को बुला के लाती। अरे क्यों 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 उसे क्यों बुला रहे हो? मुझसे मिलने आई हूं। क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूं? बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, तुम सोच लो। मार खानी है क्या तुमको? हां अच्छा बताओ, शेखर को बाल कैसे लगे? हाँ, और बात हुई कि नहीं उससे? कौन सी बात? ठीक है मैं चलती हूँ। ओके ओके, सिट 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 सिट, मजाक कर रही हूँ यार। तुम्हें पता है ना, मैंने उसे मूवी के लिए बुलाया था। वेल, मैंने सोचा मौका देख के बात करूंगी, बट ही डिडंट लैंड अप, मन हो जाया। ओ गॉड, काम्या प्लीज तुम इन सब बातों में ना टाइम वेस्ट मत करना, फिर बाद में मालूम है ना कितनी गड़बड़ होती है। एक्चुअली ना, मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है कि शेखर तुम्हें ना नहीं कहेगा, वो तुम्हें हाँ ही कहेगा, देखना। हाय सुधा। हाय, कैसे? तुम्हें पता चल ही जाता है ना कब आती है। अरे यार, तुम लोग इतना शोर मचाओगे तो किसी को पता चल जाएगा। अच्छा बताओ, बातें क्या हो रही थी? कुछ नहीं, यूं ही। आप लोग चुप तो बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं, एक्चुअली मैं काम्या से कह रही थी कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, लेकिन ये मना कर रही है। ओह, तो ये बात हो रही थी। हाँ काम्या बताओ ना। हाँ यही बात हो रही थी कि मतलब पिक्चर देखने जाते हैं। तो ठीक है, सफाई क्यों दे रही हो? सफाई देने की क्या जरूरत है? अच्छा चलो चलते हैं बाहर। हाँ कहीं घूमने चलते हैं प्लीज। चलो काम्या लेट्स गो, पिक्चर नहीं और कहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। बात ये नहीं है, तुम दोनों चलो। अरे करण बताओ ना इसे। आई कांट टैग अलोंग विद बोथ ऑफ यू ऑल द टाइम। यू गाइस जस्ट हैव फन, बाय, सी यू। लिसन शाका, बाय। हेलो, हेलो काम्या, काम्या रस्तोगी है। रस्तोगी? काम्या मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए मिस्टर रस्तोगी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। प्लीज काम्या मेरी बात ध्यान से सुनो। शट अप, हद हो चुकी है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैंने आपको कितनी बार कहा यहाँ पे फोन मत करिए। देखो यहाँ पे वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल काम्या, कोई तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा है। व्हाट टू हेल मैन। काम्या मैं मजाक नहीं, आपकी बार फोन किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ। काम्या व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? देखो काम्या, मैं तुम्हारे हित में बात कर रहा हूँ। You have to be very careful, तुम्हारी कामया होशियार रहो, तुम्हारी लाइफ को खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है।